पत्नी है शंभोग की इच्छा करने लगे। कश्यप ऋषि कहने लगे, देखो जो पति अपनी पत्नी से दिन में संभोग करते हैं औलाद राक्षस पैदा होती है। लेकिन नहीं, दांती को पीस करके दीती, कहने लगी महाराज मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है। अरे भैया देखिए, पत्नी के चक्कर में पड़ने के बाद दीती ने क्या किया है, कश्यप ऋषि ने क्या किया, और भाभी के बस हुई के भैया भोग दिती से दियो।
विद्वान साथियों, आज जैसे ही संभोग किया, इधर जय और विजय को मौका मिल गया। इन्होंने दिति के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया और 9 महीना 9 दिन के बाद जब दुखिया के गर्भ से दो जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया, चतुर ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नाम रखा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। समझ लेना, जब ये दोनों पैदा हुए, धीरे 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 ये दोनों जवान हो जाते हैं। जब ये जवान हुए, मेरे प्यारे भक्तों, विश्व विजय के लिए निकल पड़े। अब तो सूर नर किन्नर देवता सूर्य और चांद सब इनका पानी भरने लगे। ये हिरण्याक्ष वही था जो पृथ्वी को चुरा ले गया था। भगवान ब्रह्मा हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए, कहने लगे अब हम सृष्टि का वर्णन कैसे करें, हिरण्याक्ष तो पृथ्वी को चुरा ले गया। अच्छा लोगों, पृथ्वी को चुरा कौन सकता है? भागवत में तो ऐसे ही लिखा कि पृथ्वी को चुरा ले गया, लेकिन पृथ्वी को अगर चुराया था तो फिर अपने पैर कहाँ रखे थे? आज भी अगर हम कोई बड़ी बिल्डिंग का आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले उसके नक्शे को तैयार करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि वर्णन करने की सोची तो नारायण भगवान ने एक नक्शा बना करके तैयार किया। बोले इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन करना, ये हिरण्याक्ष उस नक्शे को चुरा लाया था। मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिप्रत, 101 मुद्राएं हमारे शिष्य भी हैं, ये राजीव चैतन्य जी, ये बहुत समय पहले से हमारे साथ में कार्यक्रम करते चले आए हैं। और वैसे तो हम लोगों ने राजीव भैया के अंदर कूट कूट के ज्ञान भर रखा है। शायद है कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई कथावाचक हो, लेकिन बहुत ही अच्छी कथा कहते हैं। अब गुरु के नाते हमें तो ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर शिष्य में अहमता आ जाती है, उनका अब क्या बात है, गुरुजी ने भी इतने वर्ड हमारे लिए बोल दिए। लेकिन कथा आप लोग इनके मुखारविंद से सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा, बहुत ही अच्छी कथा कहने लगा है ये बालक। चतुरानन के हाथ में पहुंच जाए और जहो हिरण्याक्ष कुत्ता मारो जाए तब तक ठीक रही है। सो देवर्षि नारद हिरण्याक्ष के पास में पहुंच गए, हिरण्याक्ष के पास, और क्या बोले, नारद बोले है ज्ञान सिंधु, मन के भाए तुम भाते हो, पृथ्वी को हर ले जाए रहे है तुम हवा अनुपम खाते हो। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे हिरण्याक्ष यहां लेट करके आराम कर रहे हो, और क्या बोले दे बारिश, नारद बोले है ज्ञान सिंधु, मन के भाए तुम खाते हो, पृथ्वी को हर लय चल रहे है तुम हवा सामने जाकर और क्या बोला, अरे तो सर मन बिल्कुल आती, अरे तो सर मन बिल्कुल आती, रे तो सर मन बिल्कुल आती, चोरी करके भागल हुए भागी। ओ चोर चोर ना आगे बढ़, बोलो बोलो, राज की ये थाती है, चोरी के भागा जाता है क्या लाज ना तुझको,
तूने कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है। अच्छा, बस सावधान, बस सावधान, बोलो बोलो, रात से ये पाला है। कई बार तूने मेरे पुरखों का वध कर डाला है। बस सावधान, बस सावधान, अच्छा, रात से अब पाला है। कई बार तूने मेरे पुरखों का वध कर वचन भगवान ने सुने। अब धरती धर दई जगदी सुर ने और बाबा पी पे पढ़े जब इस प्रकार से वध किया, मेरे प्यारे भक्तों, अब किसी विश्व विजेता पहलवान का भाई मारा जाए, उसके दिल को तसल्ली पड़ सकती है? हिरण्यकश्यप ने सुना, मेरे भैया हिरण्यकश्यप को मारने वाला वो पापी।